हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, कल मैंने कोई वीडियो शेयर नहीं किया था क्योंकि मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब थी और सब बस आज से मैं अकेली हो जाऊंगी। तो ये जानवी ने बनाया था और ये निशु की एक प्लेट थी और खेलने वाली प्लेट थी जो ऐसे फेंक के खेलते हैं बच्चे ना, वही। तो मेरे पास ना यहाँ पे क्लियर वार्निश नहीं था तो मैंने ये ट्रांसपेरेंट नेल पेंट लिया ताकि इसको जो है ना थोड़ा सा और मजबूती मिले। तो मैंने यहाँ पे नेल पेंट से ही जो है वार्निश की तरह अप्लाई कर लिया है और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी शाइनिंग आ गई है। तो अब ये वॉशेबल भी हो गया है, अगर इस पर डस्ट वगैरह जम जाएगा ना तो ये अच्छे से क्लीन भी हो जाएगा। तो ये मेरी कल की परसों की कुछ पिक है तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो जिन लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है वो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है shalinisaini0809। तो ज़रूर देखना, मैंने बहुत अच्छे अच्छे पिक जो है शेयर किया है और बहुत ही अच्छे अच्छे रील भी शेयर किए हैं। तो इंस्टाग्राम पे जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। तो ये मेरा नया वाला सूट था जो मैं चांदनी चौक से लेकर आई थी। तो स्टिचिंग के बाद कैसी लग रही है वो मैंने फ़ोटो में क्लिक करके आप लोगों के साथ शेयर किया। इसका फुल फ़ोटो जो है मेरे इंस्टाग्राम पर ही आप लोग चेक कर सकते हैं। और आज मैं काफ़ी सैड हूँ तो मैंने सोचा कि वीडियो अभी जो है एडिटिंग करके डाल देती हूँ। तो चलिए मैं जा रही हूँ निशु के कुछ ज़रूरी सामान लेने, आप लोगों को मिलती हूँ मार्केट में। बहुत दिनों के बाद मैं कुछ ज़रूरी सामान की शॉपिंग करने आई थी और निशु का एडमिशन हो गया है और एक तारीख से उसकी क्लासेस ओपन हो गया है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ होता है बच्चों के ड्रेस और स्कूल के बैग और नया टिफ़िन, नया बॉटल, तो वही हम बाई करने के लिए आए थे। तो निशु के बैग ले लिए हैं और ये बड़ा बैग लेना पड़ा हमें, 600 रुपये का कुछ बैग मिला था और 120 और 120 मिल्टन के बॉटल एंड टिफ़िन आए थे। तो 850-850 रुपये टोटल बैग और टिफ़िन और थर्मस के ही हो गए थे। तो बहुत ही ज़्यादा महंगे, 2 साल के बाद तो बच्चों के स्कूल ओपन हो रहे तो सारी चीज़ों में इतनी महंगाई थी ना गाइस, मैं क्या ही बोलूँ। मेरे तो आग का निकल जाते हैं जब बच्चों की चीज़ों में इतनी लोग लूट मचा रखी है, लूट क्या भी मचा रखी है। इतने टाइम के बाद स्कूल खुला है तो लोग चार्ज तो करेंगे ही, कम अपनी जो भरपाई है वो तो पूरा करेंगे ही करेंगे। तो बस अब मैं घर जाऊंगी और मैं बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गई थी और मुझे इतना ज़्यादा बुरा लग रहा था ना कि मैं क्या ही बोलूं। एक तो बहुत टाइम के बाद परिवार का सपोर्ट मिला है और कहते हैं ना अपने तो अपने ही होते हैं बाकी सब झूठे ही होते हैं। तो जो अटैचमेंट जुड़ा होता है ना अपने जो खुद से, परिवार से, खून से, तो उनसे बिछड़ने का गम दुख तो कुछ अलग ही होता है। तो बस यही है, तो थोड़ा सा उदास हूँ, मन सैड है और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है मेरे को छोड़ने जाने में। तो पहले भैया जो है छोटे छोटे साइज़ दिखा रहे थे और इनमें छोटे साइज़ में बच्चों के ना भूख वगैरह आने को नहीं है तो इस वजह से हमने बड़ा साइज़ में ही बैग लिया है। तो इसी वजह से कि जो है साइज़ अच्छे से भूख वगैरह आ जाए। तो मुझे पता है कि उसको किस तरीके के बैग पसंद आते हैं, वो जो बच्चों के टॉयज़ वगैरह बने होते हैं डोरेमोन, फोरेमोन, और निशु को तो अलग ही पसंद आता है स्पाइडरमैन, यही सब चीज़ों की चीज़ों से पसंद आती है। तो बस यहाँ पे हमारी चल रही है शॉपिंग बैग वगैरह की, सारी चीज़ों की शॉपिंग हो गई है और बहुत सारी चीज़ें जो है जो स्कूल की ड्रेस वगैरह है वो काफ़ी एक्सपेंसिव आई है, वो भी
3,000 रुपये के समथिंग तो ड्रेसेस ड्रेस ही आ गए, बच्चों के कपड़े ही आ गए हैं स्कूल के, तो बहुत ज़्यादा। उसके बाद शॉपिंग करने के बाद मंगलवार था ही, तो हम जो है हनुमान जी के मंदिर गए थे दर्शन करने और प्रसाद चढ़ाने। तो ये क्या बोलते हैं, हर मंगलवार को ये आते हैं, तो मैं साथ में थी तो मैं भी आ गई, तो बैग मैंने पीछे ही टांग लिया क्योंकि काफ़ी दिक्कत हो रही थी। तो बस दर्शन कर लिया, उसके बाद जो है मैं घर चली जाऊंगी। तो सूट मैंने क्यों पहना था, मैंने रील बनाए थे, फ़ोटो कुछ क्लिक करवाए थे, इसीलिए मैंने जो है तैयार वैर हुई थी। तो कैसी लग रही हूँ वो आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना। तो बहुत दिनों के बाद जो है साथ में निकले थे, और अदरवाइज़ टाइम ही नहीं मिलता है एक दूसरे के लिए, सच्ची पूछो तो। एक तो मेरा भी काम है, ऊपर से वो उनका भी काम है, तो किसी के लिए भी टाइम नहीं मिल पाता है। तो उसके बाद जो है ये नेक्स्ट डे की वीडियो क्लिप है, और मैंने लंच में यहाँ पे आलू टमाटर की सब्ज़ी बना दिया था, साथ में चावल बना दिया था। और आजकल गर्मी स्टार्ट हो गई ना, तो ज़्यादा ज़्यादा लिक्विड पीने का मन करता है, खाना बहुत कम खाने का मन करता है। तो बस कुकर में ही सब्ज़ी बना दिया, कि आलू टमाटर की जो सब्ज़ी है ना वो कुकर में काफ़ी अच्छी बन जाती है। तो यहीं पे मैंने कुकर में बना लिया और कटोरी में चावल डाल लिया है, तो इनफ है हम लोगों के लिए। तो चलिए। हे गाइस, तो गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप सभी? आई होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे। और अभी हो रहा है आफ्टरनून, और आज मैंने अपने वीडियो जो है ना आफ्टरनून से स्टार्ट करा है। अभी मैंने आलू की सब्जी बना रही हूँ, देन चावल बना रही हूँ, आलू की सब्जी एंड चावल। और फिर उसके बाद जो है पैकिंग करवाऊंगी, क्योंकि सिस्टर कल जा रही फाइनली। तो चलो खाना खाते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं पैकिंग अपनी। मेरी पैकिंग नहीं है, उन लोगों की पैकिंग है। तो अभी शक्ल ऐसी हो रखी है, मैं बाल धो के नहाऊंगी, उसके बाद बाल प्रेसिंग करवाने के लिए जाऊंगी, और निशु के बाल भी कटिंग कराने के लिए जाऊंगी। ये देखो पता नहीं कैसा चमड़ी चमड़ी सा निकल रहा है। और निशु के स्कूल ओपन हो गए, उसके बैग बुक सब हो चुका है, उसका एडमिशन हो चुका है फाइनली। एक तरह से वो स्कूल जाने लग जाएगा, तो अभी बन रहा है खाना, और मिलती हूँ आप लोगों से लंच नहा के और लंच करके। देखो तो चलो खाना बनने देते हैं, क्योंकि चावल रख दिया है मैंने कुकर में, पानी डाल दिया है, कुछ करना नहीं है, मसाले वसाले भुन गए हैं। आलू टमाटर की सब्जी बना रही हूँ नॉर्मली, जस्ट हल्का खाना खाने का मन है। दाल चावल खाने का मन था, लेकिन दाल खत्म हो गया, पता ही नहीं था, मेरे को ध्यान ही नहीं था। तो चलो मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। सो गाइज, मैंने आलू की सब्जी बना दी, चावल बना दिया, और 4-5 रोटी भी बनाऊंगी। जिसको रोटी खानी होगी वो रोटी भी खा लेगा। तो 2-3 दिन की वीडियो एक साथ शूट हो गया है, और आज जब मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ, तो मैं जल्दी वीडियो एडिट कर रही हूँ और रास्ते से ही वीडियो पोस्ट करूँगी, क्योंकि मैंने शायद 2 दिन से वीडियो पोस्ट नहीं किया है, मेरे को ध्यान भी नहीं है। तो आज छोड़ने भी जाऊँगी सिस्टर को, और दोपहर में भी मैं थोड़ी बहुत वीडियो क्लिप शूट किया है, और दो दो दिन आई थिंक या 3 दिन की वीडियो क्लिप शूट हो गया है मेरे से। तो सब्जी का कलर आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा टेस्टी बना था, और कुकर में अगर आप आलू की सब्जी बनाते हैं ना, तो कढ़ाई से ज़्यादा अच्छी कुकर में बनती है। फिर उसके बाद ये भी नेक्स्ट डे मॉर्निंग की है, कपड़े जो मैंने धुले थे उसको डालूंगी मैं सूखने के लिए। और फिर आज जब मैं वीडियो आप लोगों तक पहुंचेगा, और मेरी सिस्टर जा चुकी होगी, जब ये वीडियो आप लोग देख रहे होंगे तो मेरी सिस्टर जो है ट्रेन में होगी। तो बस अब मैं कल से वही मेरा रूटीन, वही खाना पीना, वही फिर वीडियो फिर शूट होगा। और कपड़े मैं दिखा रही हूँ, क्योंकि कॉलर जो है मशीन में अच्छे से क्लीन नहीं होते, तो मेरे को हाथ से साफ़ किया मैंने इस बार शर्ट, क्योंकि मेरे को डेली सुनने को मिलता था, इसलिए मैंने कपड़ों को जो है ना हाथ से साफ़ कर लिया है। तो जो सूख गए थे कपड़े उनको मैंने उतार के रख दिए हैं, और जो कपड़े मशीन में धुले थे उनको डाल दिए। सारे जितने भी शर्ट थे ना, सब मैंने हाथ से धुले, उसके बाद मशीन में धुले। और ये चद्दर तकिए का गिलाफ मैं निकाल रही हूँ, मेरे पास ऐसा 2-3 चद्दर है, और मेरे पास बेडशीट बहुत सारी है, लेकिन सारे गंदे हो रखे हैं। तो यही एक बचा था जो मैं मम्मी को भिजवा रही हूँ। और ये सारा सामान आप देख सकते हैं कि सब पैक हो चुका है, और ये उनके बैग वगैरह है, तो वो अपना लेके जाएंगे। और सामान भी मैंने बहुत सारे वो कर दिए थे, भेज रही, इसलिए उनके पास बेचारों के पास बैग बहुत ज़्यादा हो गया, तो अकेले ले जाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो होगा। मैंने चाय रख दिया है, सिस्टर अभी नहा रही है, तो जब तक नहा रही है मैं चुप हो जाती हूँ, मेरी आंखें भी लाल हो गई है, वो देख के समझ जाएगी, बहुत ज़्यादा आंखें मेरी लाल हो गई है।
मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। ये लोग जा रहे हैं, अभी मैं मार्केट जा रही हूँ निशु के स्कूल की ड्रेस लेने जा रही हूँ, तो आई डोंट एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ मैं गाइस। अभी बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है मुझे, मुझे किसी चीज़ की भी परवाह नहीं है, बट मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। रात रात भर बैठ के हम इतने मस्ती करते थे ना, इतना ज़्यादा मस्ते थे ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। वो भी मैं नहीं चाहती हूँ कि वो मेरे को आए देखे रोता हुआ, मेरी आँखें बिल्कुल खून हो चुकी है, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि वो मेरे को रोता हुआ देखे। वो नहाने गई है, मैं उसके लिए चाय बना रही हूँ। बट मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं हो रही है इन लोग को भेज के। थोड़े दिन, एक महीना कब गुजर गया पता भी नहीं चला, एक महीना हो गया, पर मैं चाहती थोड़ा टाइम और रहती मेरे साथ तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता। लेकिन वही है ना, जितना दिन रहेंगी फिर जाने का जो गम है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा।